अगर आप किसी बस स्टैंड पर खड़े होकर हर आने जाने वाले यात्री से पूछे कि क्या आप ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये कमाना चाहेंगे, तो 10 में से 1 या 2 लोग हाँ जरूर कहेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार में हाँ कह दे, हो सकता है कि आपको 9वीं या 10वीं बार में हाँ सुनने को मिले, लेकिन आपको हाँ जरूर सुनने को मिलेगा। इसे हम औसत का नियम कहते हैं। और जब आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं तो वहाँ पे औसत का नियम लागू होता है। जब आप कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा के दुकान में जाते हैं, वहाँ पर आपको वो दुकानदार 10 कपड़ा, 15 कपड़ा, 20 कपड़ा दिखाता है। और बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको कपड़ा पसंद नहीं आता है, वह चले आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दुकानदार हार मान जाता है और लोगों को कपड़ा दिखाना बंद कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर 10 लोग मेरे दुकान पर आएंगे, 10 लोग कपड़ा देखेंगे तो 1 या 2 लोग जरूर खरीदेंगे। इसी वजह से वह सभी आने वाले कस्टमर को कपड़ा दिखाता है। आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो मॉल में बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, करीब करीब एक मॉल के अंदर हजारों लोग एंटर करते हैं, लेकिन उस मॉल वाले को पता है कि इसमें से 20% लोग ही मॉल में खरीदारी करते हैं, 80% लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी मॉल का मालिक जानता है कि 80% लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन 20% लोग तो खरीदते ही खरीदते हैं, यानी 100 लोग एंटर किए तो 20 लोग खरीदारी करते हैं। यही है औसत का नियम। जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है, अपने प्रोडक्ट के ऐड को टीवी पे दिखाती है, बड़े बड़े होर्डिंग के जरिए, बैनर के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को दिखाती है, करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन क्या करोड़ों लोग खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते हैं, लाखों लोग खरीदते हैं। उस कंपनी को भी मालूम है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, अगर करोड़ों लोग देखेंगे तो लाखों लोग जरूर खरीदेंगे, और वही उनका उद्देश्य है। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एफिलिएट के बिजनेस में जब काम करते हैं, हम 1 या 2 लोगों से बात करते हैं, वो लोग मना कर देते हैं, हम अप्रोचिंग करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में औसत का नियम काम करता है। और औसत का नियम क्या कहता है? अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 20 या 30 लोग आपके प्रेजेंटेशन में आएंगे, उसमें से 5-7 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और वो भी ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारे लोग कोई 1 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद छोड़ देता है। लेकिन 1 लोग ऐसे आपके टीम में होंगे, 2 लोग ऐसे आपके टीम में होंगे जिनके अंदर जुनून होगा, भूख होगा, उनको कुछ करने की चाहत होगी, और वो इस धंधे में काम करते हैं। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार हर व्यक्ति के लिस्ट में डायमंड छुपा है, लेकिन डायमंड कौन है आप नहीं जानते हैं। इसीलिए कोयले के खदान में जब डायमंड खोज रहे हैं तो आपको कोयला मिलेगा, लेकिन उस हीरे की खोज कर रहे हैं तो आपको सारे कोयला को हटाना होगा, यानी अपने सारे लिस्ट को आपको अप्रोच करना है। जितने भी लोग हैं सबका लिस्ट बनाइए, सबको अप्रोच करिए, जो लोग आ रहे हैं उनको प्रेजेंटेशन दिखाइए, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद सेल्स की क्लोजिंग करिए, जो लोग ज्वाइन हो गए उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनका प्रमोशन करवाइए, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए उनका फॉलो अप करिए, उनको छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि अगर आप 20 लोग को फॉलो अप करेंगे तो 5 लोग आपके साथ आ जाएं। औसत का नियम यह कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। आप अपने खेत में 100 गेहूं के बीज डालते हैं तो क्या 100 के 100 उगाते हैं? नहीं, 70-80 उगते हैं, लेकिन फिर भी आप 100 गेहूं के बीज डालते हैं। खिलाड़ी जब खेलने जाता है वह 0 पे आउट हो जाता है, कभी 1 रन पे आउट हो जाता है, कभी 5 रन पे आउट हो जाता है, तो क्या वह खेलना छोड़ देता है? नहीं, वह खेलना नहीं छोड़ता है, वह दोबारा जाता है, प्रैक्टिस करता है, और देन आता है फील्ड में और अर्धशतक और शतक बनाता है। उसी तरह से आपको इस डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आपको टिके रहना है, जमे रहना है, और तब तक आपको इस धंधे को नहीं छोड़ना है जब तक आपको कामयाब नहीं बन जाना है। और जब आप कामयाब बन ही जाएंगे तो छोड़ेंगे क्यों? हो सकता है कि कुछ लोगों को 100 में से 10 लोग ज्वाइन कर जाएं, हो सकता है कुछ लोगों के साथ 100 में से 1 या 2 लोग ही ज्वाइन करें, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। श्रीमद् भागवत गीता का यह प्यारा सा श्लोक याद रखिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्तो कर्मणि।
कर्म करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो आपको कर्म करना है, लिस्ट बनाना है, बात करना है, अप्रोच करना है लोगों से, उनको प्लान दिखाना है, क्लोजिंग करनी है, फॉलोअप करना है, जो ज्वाइन हो गए उनको ट्रेनिंग देना है, उनका प्रमोशन करवाना है, जो नहीं आए उनका फॉलोअप करना है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को सारे नेटवर्कर तक जरूर भेज दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।